अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द व्लॉग। हुज़ैफ़ा शाकिब, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और ये देखें फ्रेंड्स, ये है मेरा गुलाब का प्लांट और आज मैं इसके बारे में बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। ये देखें इसमें कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है, देखें फ्रेंड्स। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो जो भी मैं आप लोगों को जानकारी देने वाली हूँ कि मैं इसकी केयर कैसे करती हूँ, मैं इसको क्या क्या खाना देती हूँ, और तो इस बारे में मैं आपको आज पूरी जानकारी दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। ये देखें फ्रेंड्स कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये देखें फ्रेंड्स कितनी सारी कलियाँ भी आई हुई हैं। देखें फ्रेंड्स बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं, देखें फ्रेंड्स नए नए पत्ते भी आ रहे हैं प्लांट्स में, देखें फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है और बड़े बड़े फ्लावर भी आ रहे हैं। ये देखें फ्रेंड्स एक भी पत्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, नहीं पत्ता मुड़ा हुआ है और नहीं किसी तरह की कोई इसमें प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ लगा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट है मेरे। और ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने खुद से कटिंग से ग्रो किया हुआ है इस गुलाब के प्लांट को, मैंने तो वीडियो में बताया ही है आप लोगों को। ये देखें बहुत बड़े बड़े फ्लावर भी आ रहे हैं, इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था, तो इंशाल्लाह मैं इसकी भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो देखें इसमें बहुत सारी कलियाँ भी आ रही हैं, देखें फ्रेंड्स बहुत सारी कलियाँ भी आ रही हैं, मतलब पूरी तरह से ये हेल्दी प्लांट है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आ रही है। और ये मेरे गार्डन में एक साल से ये प्लांट है गुलाब का और कंटिन्यू ये फ्लावरिंग कर ही रहा है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं पत्ते में कितनी चमक है, तो पत्ते भी कुछ भी एक ज़रा भी पत्ते ख़राब नहीं हैं और सारे पत्ते देख रहे हैं कितने ग्रीन हैं और हेल्दी भी लग रहे हैं और नए नए पत्ते भी आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट है। मैं कुछ भी बाहर की चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ, कोई भी मार्केट वाला कुछ भी खाद नहीं यूज़ करती हूँ। तो चले ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये लिक्विड कैसे बनाना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये किचन की वेस्ट चीज़ें हैं जो हम लोग वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, ये सब्ज़ी के छिलके हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे लिक्विड बनाना है, तो ये देखें फ्रेंड्स ये बाल्टी है, इस बाल्टी में देखें फ्रेंड्स पानी है, इस पानी में हमें ये छिलका डाल लेना है, ये छिलके को पानी में हमें डाल लेना है और इसको दो दिन तक इसमें अच्छे से पानी में रहने देना है, क्योंकि इसका जो भी है अच्छे से पानी में आ जाए। और जब ये पानी में, इसको शेडी एरिया में रखना है, ऐसे इसको फुलाकर, इसको ऐसे धूप में नहीं रखना है फ्रेंड्स, इसमें बदबू बहुत आती है। तो आप इसको दो दिन के बाद जब छानेंगे तो मास्क पहनकर इसको छानना और इसको शेडी एरिया में प्लीज़ रखना, क्योंकि इसमें से बदबू बहुत ज़्यादा है। और ऐसी जगह रखना जहाँ पे आप लोग नहीं रहते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बदबू बहुत ज़्यादा आती है। तो इसको फ्रेंड्स आप लोग शेडी एरिया में रख देना और दो दिन तक इसको अच्छे से ढक के, और दो दिन बाद इसमें से इसको ऐसे इस तरह का लिक्विड बन जाएगा, ये येल्लो कलर का। तो आप लोगों को छन्नी की मदद से छान कर पानी निकाल लेना और जो छिलका बचेगा उसको फेंक देना है छिलके को। तो इस तरीके से आप लोगों को ये लिक्विड निकल जाएगा। अब इसको देना कैसे है प्लांट में वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आधा पानी लेना है और आधा ये जो मैंने लिक्विड बनाया है वो लेना है। तो पानी में इसको मिलाकर ही डालना है, ऐसे डायरेक्ट प्लांट में नहीं डालना है फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स जैसे अभी मैंने मिलाकर डाला है, और इसको पत्तियों पर नहीं डालना है, इसको आपको गमले की मिट्टी में डालना है। तो ये बिल्कुल आपके प्लांट पे जादू की तरह काम करेगा फ्रेंड्स। मैं कभी भी कुछ भी मार्केट वाला खाद वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। लोग ऐसे रोज़ फूड वगैरह ये सब डालते हैं अपने प्लांट के लिए, स्पेशली गुलाब के प्लांट में तो लोग रोज़ फूड डालते ही हैं, गुलाब के लिए ही वो आता है रोज़ फूड जो होता है, तो लोग डालते हैं। मैंने कभी भी रोज़ फूड नहीं डाला है, तभी भी फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है।
सिर्फ मैं बस यही डालती हूँ जो किचन की वेस्ट चीज़ें होती हैं उससे मैं लिक्विड बनाकर, और सिर्फ मैं इसमें कंपोस्ट डालती हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं डालती हूँ। आई होप आप लोगों को फ्रेंड्स आज की ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और अपना ख्याल रखें।